ठीक है जी। तो अपन ये पढ़ रहे हैं यूनिट नंबर 3, और इसका जो नाम है वो लिखा है अपने पास रीमान इंटीग्रल। कॉपी पेन साथ में लेके बैठे और जो भी नोट्स है बनाते जाइए, है ना। खुद के नोट्स तो ज़्यादा अच्छे होते हैं। रीमान इंटीग्रल है ना, ये आपका टॉपिक है। अब इससे बहुत बड़े क्वेश्चंस भी बनते हैं, छोटे क्वेश्चंस भी यहाँ से बन जाते हैं, है ना। और भी बेनिफिट है, अदर एग्जाम में भी ये ज़्यादा पूछा जाता है, रीमान समाकल। देखते हैं इसमें होता क्या है ना। देखो अब आपको पता है रीमान, रीमान ये क्या चीज है, मैंने लिखा क्या, पहले टॉपिक तो देखे क्या कहना चाहता है। ये रीमान का मतलब क्या, ये रीमान एक नाम है, कुछ नहीं है, एक मैथमेटिशियन है, उसका नाम है रीमान, क्लियर है। अच्छा इंटीग्रल क्या, ये इंटीग्रल क्या होता है। थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, हेलो क्या हुआ, थोड़ा सा बड़ा लिखना पड़ेगा। बड़ा लिखना पड़ेगा। मोबाइल को हॉरिजॉन्टल मोड पे रखा आपने, चलो हाँ ठीक है बड़ा लिख देते हैं, है ना। ये इंटीग्रल क्या है, ये आपको सबको पता है इंटीग्रल क्या होता है ना। इंटीग्रेशन सबको पता है ना, क्या होता है ये इंटीग्रेशन, ये होता है आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा होगा, अवकलन है ना, उसका इनवर्स करते हैं तो आपको मिलता है इंटीग्रल। ये तो आपने पढ़ाई है पहले की, 11वीं की बात कर रहा हूँ मैं, तब अपन को मिलता था इनवर्स, है ना। अब उसका इनवर्स करने पे इंटीग्रल मिलता था, लेकिन इसका यूज कहाँ करते थे अपन, इसका यूज कहाँ करते थे, है ना। तो आपको पता है कि अपन एरिया निकालते थे, मतलब क्षेत्रफल जो अपन निकालते थे, अपन वॉल्यूम निकालते थे, तब इसका यूज किया जाता था, है ना। तो स्टार्टिंग में जब अपन बात करते थे इंटीग्रल का जो यूज है, समाकलन का जो यूज है, तो वो यहीं तक सीमित था, है ना। क्या क्या सीमित था इसके अंदर, अपन ये कह सकते हैं कि वो एरिया निकालने के लिए कहता था, वो अपन को वॉल्यूम निकालने के लिए कहता था, है ना। ये सब चीजें अपन को पहले ये करनी पड़ती थी, लेकिन जो रीमान एक नया मैथमेटिशियन का नाम है, रीमान, ठीक है, नाम आपको पता पड़ रहा होगा, रीमान ये जर्मन मैथमेटिशियन है, इसने थोड़ा सा अलग अप्रोच दिया, ठीक है, इंटीग्रेशन को थोड़ा अलग से डिफाइन किया। अच्छा क्या डिफाइन किया ये, तो वो अपन देखते हैं इसे क्या डिफाइन किया है ना। तो डिफाइन कैसे किया होगा इसने, वो अपन देख लेते हैं, है ना। इससे थोड़ा सा अलग अप्रोच दिया, और इसने ये बोला कि भाई आप जो इंटीग्रेशन कर रहे हो उसमें थोड़ा सा मॉडिफाइड करें, और उसके नाम पर अपन ने दे दिया कि रीमान इंटीग्रल, नाम पे अपन ने दिया, ठीक है। अच्छा ये करता क्या है वो अपन देखते हैं, है ना, क्या होता है वो अपन देखते हैं। इससे ऊपर अपन LFP UFP आप लोगों ने थोड़ा बहुत तो कॉलेजेस वगैरह में देखा होगा आपने, ये LFP ऐसा लिखा होता है, UFP लिखा होता है, जैसे अपन यहाँ पर डिस्कस करते हैं, ठीक है। अच्छा अब ये सब समझने से पहले आपको पहले कुछ बेसिक नॉलेज पता होना चाहिए। क्या बेसिक नॉलेज पता होना चाहिए, एक तो पता होना चाहिए आपको इंटीग्रल, सॉरी इंटरवल, और बड़ा लिखूं विशा का, इंटरवल आपको पता होना चाहिए, लिखूं और मैसेज कर दो, आप अनम्यूट मत करो, अंतराल, ये आपको पता होना चाहिए। ये इंटरवल होते क्या है वो अपन को पहले सब चीजें क्लियर होनी चाहिए। वैसे आपको पता होगा कि 11वीं 12वीं अपन इंटरवल के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी भी ली है, लेकिन मैं ये मान चलता हूँ किसी को कुछ नहीं आता, है ना। तो एकदम जीरो से उठाते हैं, और आपको पता है कि मेरी आदत आपको पता होगी कि अपन एकदम जीरो से लेके चलते हैं, अपन स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं ना। तो ये बेसिक सी बात करते हैं, इंटरवल होता क्या है ना। तो इंटरवल के बारे में बात करने से पहले आपने कभी बार आप देखा होगा ना, ऐसे ये चीजें होती थी, ऐसा एक डब्बा बना होता था, और यहाँ पर ए कोमा बी लिख दिया जाता था, एक ऐसा ब्रैकेट बना होता था, ए कोमा बी ऐसे कुछ लिख दिया जाता था, है ना। तो ये बेसिक से दो इंटरवल है जिसके अपन बात करने वाले हैं। अब ये कौन सा इंटरवल होता है और ये कौन सा इंटरवल होता है, ये अपन बात करते हैं ना। तो अपन बात करें कि भाई ये कौन सा इंटरवल है, तो अपन इसको बोलते हैं क्लोज, देखना मैं लिख के सर आऊँ, क्लोज, CLOS, क्लोज। और ये मैंने बनाया है, देखो बनाने का शेप ही देख लो आप, मैंने ऐसे बनाया है इसको, है ना, ये आ जाएगा ओपन, बस ये थोड़ा सा आपको याद रखना चाहिए। अच्छा क्लोज में क्या आएगा, ओपन में क्या आएगा, ये कैसे होगा वो अपन थोड़ा सा और देखते हैं। अच्छा क्लोज को हिंदी में क्या बोलते हैं, किसी को पता है क्या नाम, क्लोज में, क्लोज को हिंदी में बोलते हैं संवृत, ठीक है, और इसको बोलते हैं विवृत, ठीक है, संवृत अंतराल और विवृत अंतराल इनको बोला जाता है, ठीक है।
अब यहाँ पर थोड़ा सा अपन और देखते हैं क्लोज में क्या होता है ना। अब कोई भी फंक्शन है क्लोज में आप कैसे लिखते हो, आपने जो लिख पढ़ रखा वो देखा आपने, x आपका जो होता है लेस इक्वल टू ऐसा लिखा आता है ना, और यहाँ पर भी x जो होता है वो लेस देन ऐसे निशान होता है। निशान का मतलब क्या था वो भी अपन समझ लेते हैं एक बार, है ना। यहाँ पर आपके पास ए होगा और यहाँ पर आपके पास बी होगा, यहाँ पर भी आपके पास ए होगा और यहाँ पर भी आपके पास बी होगा। अच्छा इसको अपन नंबर लाइन से समझते हैं। एक मैंने लाइन बनाई, यहाँ पर तो मैंने लिख दिया ए और यहाँ पर लिख दिया मैंने बी। ध्यान रखना ये नंबर लाइन किसकी है, इस पूरी नंबर लाइन के ऊपर रियल नंबर रहता है, वास्तविक संख्या यहाँ पर रहती है। तो वास्तविक संख्या आपको पता है कि बहुत सारी होती है ना, तो अपन वहां पर बात कर रहे हैं। तो ये क्या कहना चाह रहा है, क्लोज इंटरवल क्या कहना चाहता है कि आप इस ए से शुरू करो और इस बी पर खत्म करो, इसके बीच आने वाले जितने भी नंबर है सबको आप उठा लो, है ना। जितने भी नंबर, जैसे अगर मैं मान लूँ कि अगर मैंने ए को लिखा एक लिखा और बी को मैंने लिखा दो लिखा, तो एक से बी तक आने वाले सारे नंबर्स आप उठा लो यहाँ से, है ना। और उनके बीच में आने वाले सब नंबर, जैसे वन लिखा मैंने 1.00001 लिख लो, 1.02 लिख लो, जो भी नंबर आ रहे सारे रियल नंबर है ना, इसमें जो भी आ गया ना उसमें आपको इसको ए को भी काउंट करना है और बी को भी काउंट करना है। ये किसकी बात कर रहे हैं अपन, क्लोज की बात कर रहे हैं। क्लोज मतलब जब आपका इंटरवल क्लोज रहेगा तब आपको साइड वाले कॉर्नर वाले एलिमेंट भी आपको लेने पड़ेंगे, ठीक है। एक बात तो समझ में आती। अच्छा जब आपका इंटरवल ओपन रहेगा, है ना, जब आपका इंटरवल ये ओपन रहेगा तो आपको ये साइड वाले जो एलिमेंट है ए और बी को छोड़ देना है और बाकी इसके अंदर आने वाले हर एक नंबर को यूज करना है। ये आपको बात समझनी चाहिए, क्लियर है। यहाँ तक क्लियर हो गया है ना। तो ओपन इंटरवल में क्या होता है, लास्ट वाले कॉर्नर्स को छोड़ दिया जाता है, क्लोज में क्या होता है लास्ट वाले दोनों को भी इंक्लूड किया जाता है, ये लास्ट तक काम आएगा आपके, ठीक है। अच्छा वैसे कई अपने पास बने होते हैं, जैसे अपन और बात करते हैं, ठीक है, ऐसे आपको कई चीजें मिलेगी। ऐसे मैंने लिख दिया ए बी लिख दिया, इसका मतलब आप समझ गए होंगे आप, है ना। आपको ऐसा एक्स लेना है जिसमें आपको ए को तो इंक्लूड करना है लेकिन बी को इंक्लूड नहीं करना है, ये सेमी ओपन सेमी क्लोज कहलाता है, मतलब आधा ओपन है आधा खुला है, ये ऐसा कहलाता है ना। जिससे कई बार अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं, ए लिख दिया और मैंने ये ऐसा बी लिख दिया, इसका मतलब भी आप समझ गए होंगे कि ए को तो लेना नहीं है लेकिन बी को आपको लेना है ना। एक बात ध्यान रखते हैं कि जैसे ए और इनफाइनाइट मैंने लिख दिया, ऐसा लिख दिया, मतलब आपको इंटरवल में ए से इनफाइनाइट तक जाना, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है कि आपको ए से स्टार्ट करेंगे और आप जाएंगे इनफाइनाइट तक जाएंगे, ये चीज आपको क्लियर रखनी है ना। और ये जो मैंने इनफाइनाइट लिखा है इसको कभी भी क्लोज ब्रैकेट में नहीं लिखते हैं, इनफाइनाइट को अपन कभी ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट में नहीं रखेंगे, क्योंकि इनफाइनाइट कितना है वो अपन को पता ही नहीं है, कितना होता है अनंत अपन को नहीं पता है ना। अगर अनंत पता होता तो अपन उसको साथ में ले लेते हैं, है ना। अब पता ही नहीं है इसके लिए इसको इंक्लूड नहीं करते, है ना, तो इसको हमेशा ऐसे रखेंगे। अच्छा ये आपने पढ़ा इंटरवल पढ़ा ना, अब इंटरवल के बाद में अपन इसकी लेंथ देखते हैं, लंबाई कितनी होती है इंटरवल की, है ना। लेंथ ये एक जरूर टॉपिक है, यहाँ से आपका शुरू हो जाएगा लेंथ, है ना। लेंथ का मतलब हो जाएगा लंबाई, किसी भी इंटरवल की लंबाई को अपन कैसे लिखते हैं, इंटरवल कोई भी हो। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मैंने इंटरवल लिखा ये लिख दिया ए कोमा बी लिख दिया, चाहे मैं ऐसा लिखूं चाहे मैं ए कोमा बी ऐसा लिखूं, ये क्लोज लिखा है एक मैंने ओपन लिखा है, मैं ए कोमा बी लिख दूं एक आधा क्लोज है आधा ओपन है, या फिर मैं ए कोमा बी ऐसा लिख दूं, है ना। ये चार मैंने ब्रैकेट आपको अलग अलग इंटरवल बनाए हैं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इंटरवल को ओपन लिख रहा है आई से लिख रहा है, और इसकी जो लंबाई होती है उसको अपन लिखते हैं डेल आर से। लेंथ ऑफ इंटरवल को अपन किससे लिखते हैं, डेल आर से लिखते हैं, और डेल आर की जो लेंथ होती है वो होती है बी माइनस ए, इतना सा काम है। इन चारों ब्रैकेट चारों इंटरवल के लिए लंबाई क्या हो जाएगी, बी माइनस ए हो जाएगी। सपोज आप समझो मैंने एक इंटरवल लाइन बना दी, यहाँ पर मैंने लिख दिया 3 और यहाँ पर मैंने लिख दिया 5। अब 3 और 5 इंटरवल की बात कर रहे हैं, तो अगर मैं कैसा लिखूँ 3 5 ऐसा लिखूँ, चाहे मैं 3 5 ऐसा लिखूँ, चाहे मैं 3 5 ऐसा लिखूँ, है ना, चाहे मैं 3 को ऐसा कर लूं और 5 को मैं ऐसा कर लूं, है ना, तब भी काम यही रहने वाला, ठीक है। अब इन सब में जब आप लेंथ ऑफ इंटरवल मतलब अंतराल की लंबाई निकालते हैं, मतलब यहां से लेकर के यहां तक का जो आप डिस्टेंस निकालते हैं ना वो आपके पास कितना आएगा, तो आपको पता है ना क्या करना है अपन को, 5 माइनस 3 करना है, और वो कितना आएगा आपको 2 मिलेगा।
इतना चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है जी। तो आपको हर बार ये जो बात कर रहे हैं ये अंतराल है, अंतराल की जो लंबाई है, इंटरवल की जो लेंथ है, लास्ट माइनस फर्स्ट कर लो वो आपको समझ में आ जाएगी। और आपको यहाँ दिख रहा होगा इन सब की जो अंतराल की जो लंबाई है वो कितनी आ रही है, फाइनाइट आ रही है, मतलब कोई ना कोई एक नंबर आ रहा है ना, जिसको अपन हिंदी में क्या बोलते हैं, परिमित बोलते हैं। ये आपके पास इनकी लेंथ आ रही है, क्लियर है जी, है ना, इनकी लेंथ आपको मिल गई, ठीक है, ये परिमित है, ठीक है। अच्छा कुछ और भी रह गए हैं इंटरवल, अपन उसके बारे में बात करते हैं, कौन कौन से इंटरवल आपके पास रह गए हैं वो भी अपन देखते हैं। चार तो मैंने लिख ही दिए है ना, और चार के बाद चार और बच रहे हैं उनके बारे में भी मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ। कौन कौन से इंटरवल रह जाते हैं, जो जिनकी लंबाई फाइनाइट नहीं, जो अनंत तक जाते हैं, जैसे मैंने लिख दिया माइनस इनफाइनाइट टू, मैंने लिख दिया बी, लिख दिया बी पे ओपन कर दिया, मैंने लिख दिया माइनस इनफाइनाइट टू बी क्लोज कर दिया, एक इंटरवल ये भी है ना, मैंने लिख दिया क्या कि ए से बी ओपन कर लिया, मैंने लिख दिया क्या, सॉरी बी नहीं, मेरे को अनंत लिखना है ना, थोड़ा सा ये हो गया, यहाँ पे लिखना पड़ेगा अपन को अनंत, यहाँ पर अपन लिखेंगे इनफाइनाइट, है ना। मैंने यहाँ पे लिखा ए और यहाँ कर दिया मैंने इनफाइनाइट, अपन ने कर लिया, चलो ठीक है, ये अपन ने सेट इतने सारे बनाए। अच्छा ये दो बार लिख दिया है, कोई बात नहीं, इसको हटा देते हैं, है ना। अरे ये क्या हो रहा है, एक सेकंड, ये थोड़ा सा मान नहीं रहा है, एक तो अपन ने ये लिख दिया, एक अपन लिख लेते हैं ए से इनफाइनाइट ये कर लेते हैं, ठीक है। अब ए पे आप ऐसा कर लीजिए, देखो इनफाइनाइट हमेशा ओपन ब्रैकेट में रहेगा, क्लोज में नहीं आएगा कभी भी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी आप और भी लिख सकते हो, जैसे माइनस इनफाइनाइट से बी पे आप ये कर दो, ये सब ब्रैकेट लगा दो, बड़ा ब्रैकेट है ना, ये शायद पहले चूक गया था, ए लिख लो, ए पे आप बड़ा ब्रैकेट लगा दो, क्लोज ब्रैकेट, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा इनफाइनाइट, और एक लास्ट में रह गया सबसे बड़ा, माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, ये अपने पास हो, ठीक है। अब इन सब की लंबाई कितनी होगी वो आपको देखना, तो आपको पता ही है इनफाइनाइट नंबर को जोड़ो या घटाओ तो आपको इनफाइनाइट ही मिलेगा, तो इन सब की जो लेंथ रहने वाली है वो कितनी हो जाएगी, इनफाइनाइट ही रहेगी, इनकी लेंथ अनंत रहेगी, ठीक है, इनफाइनाइट रहेगी, ये बात क्लियर होगी। तो यहाँ तक किसी को डाउट, अगर डाउट है तो बता दो कि डाउट है, नहीं तो अपन आगे चले, समझ में आ गया तो यस लिख दो, अपन आगे चलते हैं, है ना। तो ये इंटरवल जो आपको पहले का जो पता होता है उसके बारे में अपन ने थोड़ी सी जानकारी यहाँ पर ली है, ठीक है, चले आगे, ओके ठीक है। अब अपन आते हैं यहाँ पर, अपना जो इस टॉपिक की बात कर रहे हैं वहां शुरू करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अपन करने वाले हैं अपना टॉपिक पार्टीशन की बात करते हैं, पार्टीशन भी अपन को करने पड़ेंगे, पार्टीशन ऑफ इंटरवल की जो अपन बात कर रहे हैं, है ना, पार्टीशन ऑफ इंटरवल, ठीक है, अंतराल का विभाजन, साथ साथ लिखते जाना ना, आपके नोट्स काफी अच्छे बनेंगे। अब ये विभाजन क्या होता है, पार्टीशन क्या होता है, तो अपन वही बात कर रहे थे भाई, ये होता क्या है। तो सबसे पहले आपको एक नंबर लाइन लेनी पड़ेगी, ये आपने नंबर लाइन आपने ले ली, क्लियर है, आपकी नंबर लाइन हाजिर है, ठीक है। अब यहाँ पर नंबर लाइन जो होती है वो इनफाइनाइट लेंथ की होती है, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इनफाइनाइट लेंथ, क्लियर है, रियल नंबर है, पूरी पूरी रियल है ना। तो यहाँ पर मैं बात करता हूँ, मैंने एक नंबर लिखा है यहाँ पर इसकी, और एक यहाँ पर एक नंबर लिखा है, दो नंबर्स की अपन बात कर रहे हैं, ठीक है। अब दो नंबर्स कोई भी हो सकते हैं, है ना, तो जनरली अपन यहाँ पे लेके चल रहे हैं, ए लिख रहे हैं और इसको अपन लिख रहे हैं बी, क्लियर, अपन ने दो नंबर लिखे। अब इसके पार्टीशन करने मतलब इसके टुकड़े करने हैं, आप जितने चाहो उतने टुकड़े कर सकते हो, है ना, तो आपकी मर्जी उतने टुकड़े कीजिए, है ना। और इंटीग्रेशन कहता ही क्या है कि आपको जब भी एरिया निकालना होता है तो आप छोटे छोटे टुकड़े कर दीजिए उसके, और उन सबको जोड़ लीजिए, बस यही तो इंटीग्रेशन होता है। तो बस अपन ये करने वाले हैं, तो कोई भी आपने इंटरवल लिया है, और अच्छा इंटरवल लेना कौन सा आपको मैं अब बता दूं, आप इंटर लेने वाले हो यहाँ पर क्लोज, ठीक है, रीमान ने जो काम किया वो क्लोज इंटरवल में काम किया है ना, क्लोज का मतलब आप ए और बी को भी इंक्लूड करोगे, ए और बी को भी साथ में लेकर चलना है ना। अब आपने मान लो कि जैसे मैं एक यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, मैंने यहाँ लिख दिया जीरो लिख दिया और यहाँ पर लिख दिया मैंने दो, इसके टुकड़े करना है, ठीक है,
या फिर मैं एक लिख देता हूँ यहाँ पर, 0 और 1 लिख देता हूँ, ये सबको ज्यादा समझ में आएगा, है ना। अब इसके दो टुकड़े करने थे, आप क्या करोगे, 0 प्लस 1/2 यही करोगे ना, तो क्या मिला आपको, 1/2 मिल गया, तो आप यहाँ पे 1/2 कर लोगे, क्लियर है। और क्या करना है, अच्छा इसके चार टुकड़े करने हैं, तो चार टुकड़े आप कैसे करोगे, 0 प्लस 1/4 कर दोगे, 1/4 1/4 आ जाएगा, तो 1/4 के गैप पे आप बढ़ोगे, यहाँ पर 0 हो गया, 0 का मतलब क्या होता है, 0.0, 0.4, है ना। फिर आप यहाँ पर आओगे, ये क्या हो जाएगा, 1/4, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2/4, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3/4, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4/4, ये बात समझ में आ रही है। देखो यहाँ पर 0.0 लिखा है मैंने, और यहाँ पर 1/4 लिखा, ये बात तो क्लियर होगी। चार टुकड़े करने, तो मेरे को 4/4 करना और कुछ नहीं करना, मतलब अंतराल को देखना है कहाँ से कहाँ तक है, और 4/4 कर देना, काम खत्म हो जाएगा मेरा। अच्छा बेसिकली अपन बात देखें यहाँ पर, तो अपन यही चीज करने वाला है, क्लियर है। तो अपन ने टुकड़े कर लिए, जितने चाहे उतने टुकड़े कर लिए, लेकिन हमारा इंटरेस्टेड 4-5 टुकड़े करने से नहीं होगा, हम जितना भी बड़ा टुकड़ा करेंगे उतना हमारा आंसर एक्यूरेट आएगा, तो हम ये सब चीजें हटाने वाले हैं, भाई ये 4-5 टुकड़े सब बकवास है। सीधी सी बात यह है कि आपको कोई भी इंटरवल दे दिया, जनरली अपन बात कर रहे हैं किसकी, ए और बी की बात कर रहे हैं, जब अपन ए और बी की जब बात कर रहे हैं ना, तो अपन इसके एन टुकड़े करेंगे, कितने टुकड़े करेंगे, एन टुकड़े करेंगे। तो एन टुकड़े जैसे अपन करेंगे, तो जो पहला जो टुकड़ा है, पहला जो नंबर है, आप उसको बोल दोगे एक्स नोड बोलोगे, ठीक है, जो आपने ये ए लिखा है आप उसको बोलोगे एक्स नोड, जो लास्ट टुकड़ा है, लास्ट जो नंबर है, उसको आप बोलोगे एक्स एन बोलोगे। अब अपन इसको आगे लेके चलते हैं, ठीक है। अब ये वाला आपको टुकड़ा मिलेगा, मैं इंक बदल लेता हूँ, है ना, इस नंबर को आप बोलेंगे X1 बोलेंगे, आगे आप बढ़ेंगे X2 बोलेंगे, आगे बोलेंगे X3 बोलेंगे, ऐसे करते 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 अपन यहाँ से आगे चलेंगे। अब कहीं पर बीच में कहीं पर, है ना, बीच में कहीं पर, है ना, मतलब जस्ट सेंटर में नहीं कह रहा हूँ, कहीं पर भी हो सकता है, ये टॉपिक मिल जाएगा, बुक का ही टॉपिक है ना, थर्ड ईयर की रियल एनालिसिस की जो बुक है उसमें रीमान इंटीग्रल लिखा हुआ है ना। तो यहाँ पर बात करते हैं, बीच में कहीं पर बात कर लेते हैं, एक इंटरवल हो जाएगा, जैसे मैं आप बोल रहा हूँ कि उसको मैं लिख रहा हूँ X_R-1 और XR, ठीक है। ध्यान रखना सभी इंटरवल की जो लेंथ है वो बराबर है, लेकिन मैं इस जो मैंने एक अंतराल जो मैंने लिखा ना, ये वाला X_R-1 से XR तक, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा लिख रहा हूँ, क्योंकि मुझे इसी का यूज करना है यहाँ पर, बहुत ज्यादा यूज करना है ना। XR हो गया, उसके बाद वाला नेक्स्ट इंटरवल क्या आएगा, XR+1, ऐसा बढ़ेगा ना। तो हमारा इंटरेस्ट सभी को सोल्व करने पर नहीं है ना। इंटीग्रल क्या कहता है आपको, रीमान इंटीग्रल क्या कहता है आपको, कि आपने जो भी लिया है, पार्टीशन जो भी किया है, उसका एक स्पेसिफिक एक इंटरवल आप उठा लो, उसके बारे में बात कर लो, और उसके बारे में जो भी बात करोगे वो सबके लिए फाइनल है ना। तो अपन यहाँ पर बात कर रहे हैं किसकी, जो अपने पास बीच में मतलब कहीं पर भी आया होगा उसकी अपन बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इसकी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की अपन बात कर रहे हैं, ये एक विशेष अंतराल अपन को मिला है, इसका जो नाम है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, बड़े बड़े अंतराल में लिख रहा हूँ, IR लिख रहा हूँ, इसको बोलते हैं आर्थ इंटरवल, ठीक है। इसको अपन क्या बोलते हैं, आर्थ इंटरवल बोलते हैं, बहुत सारे सब इंटरवल अपन ने बना दिए, ये अपने लिए काम का है। अच्छा आर्थ इंटरवल में क्या होगा, आपके पास जो नंबर्स है वो कहाँ से शुरू होंगे, X_R-1 से लेकर के XR तक चलेगा, ये क्लियर होना चाहिए आपको, ठीक है। अच्छा ऐसे बहुत सारे इंटरवल मैंने बनाए, आपको दिखाता हूँ मैंने कौन कौन सा बनाया, मैंने बनाया पहला अंतराल I1, I1 में कहाँ से कहाँ तक, आप चाहे लिखो तो A लिखो, चाहे आप X नोड लिखो, दोनों एक ही बात है ना, तो आपकी मर्जी वो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। आपने लिखा X नोड से X1 तक जो अंतराल है, क्लोज है, ध्यान रखना क्लोज कह रहा हूँ, है ना, उसको अपन I1 बोल रहे हैं। अच्छा उसके बाद अपन आगे बोलते हैं I2 की बात करते हैं, उसमें क्या हो जाएगा, X1 से लेकर के X2 तक आ जाएगा, ठीक है। ऐसे अपन आगे बढ़ेंगे, कहीं कहीं पर जा करके अपन को R1 अंतराल मिलेगा। तो सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर आई है वो ये आई है कि जो ये R1 अंतराल है वो ये रहेगा, हम सारी कहानी इसी से करेंगे, हमारे पास सभी कहानी इसी के लिए होगी। अच्छा इसकी लेंथ भी अगर अपन देखें, लेंथ है ना, इस अंतराल की लेंथ देखें, अच्छा इसी की नहीं, मैं किसी भी इंटरवल की लेंथ कह दूं, लेंथ सबकी सेम होगी, क्योंकि अपन ने समान पार्टीशन किया, इक्वल पार्टीशन किया ना। तो अगर अपन इसकी लेंथ की बात करें,
हम इसी की लेंथ की बात करेंगे हर बार, और उसको अपन बोलेंगे डेल आर से बोलेंगे, डेल आर से बोलेंगे। अब लेंथ ऑफ इंटरवल मैंने क्या बताया था, बी में से एक को कटाना है, मतलब लास्ट वाले में से फर्स्ट वाले को कटाना है, कुछ करना ही नहीं। तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स आर माइनस एक्स आर माइनस, ये इसकी लेंथ हो गई, क्लियर है? तो ये दूसरी चीज जो है वो आपको समझ में आनी चाहिए, लेंथ इसकी क्या होगी, क्लियर है? अच्छा अब मैं कह रहा था कि इसमें से आप ये जो पहला जो इंटरवल आ रहा है, ये वाला पहला इंटरवल है, इसकी लेंथ देख लो, आप इसकी लेंथ देख लो, आप इसकी लेंथ देख लो, आप इसकी लेंथ देख लो, ना किसी भी इंटरवल की आप लेंथ देख लो, सभी की लेंथ क्या है, सेम रहेगी, ठीक है? तो यहाँ तक क्लियर होना चाहिए, बात समझ में आ गई आपको, लेंथ समझ में आ गया, ठीक है? किसी भी इंटरवल की लेंथ अपन कैसे निकालते हैं वो समझ में आ गया होगा। अब इसमें आप विशेष इंटरवल निकाल रहे हैं, जिसको हम बोल रहे हैं आर्थ इंटरवल, जो भी काम करेंगे अपन आर्थ इंटरवल के ऊपर करेंगे, क्लियर है? तो ये अपने पास हो गया। अच्छा आपने पार्टीशन किसका किया है वो भी आप देख लो, आपने पार्टीशन किया है ए और बी का किया है, इसको अपन लिखते कैसे, मैं यहाँ लिख देता हूँ। पार्टीशन आपने किया है पी, जिसको अपन कह रहे हैं ना, किसका पार्टीशन किया आपने, ए से बी का किया, तो उसको पार्टीशन को अपन ऐसे लिखते हैं, पी ए कोमा बी ऐसे लिखते हैं, ठीक है? तो यहाँ तक क्लियर है आपको, आगे बढ़े, ठीक है? तो ये आपका पार्टीशन आपको यहाँ से खत्म होता है ना। अब थोड़ा सा अपन और देखते हैं कि पार्टीशन के आगे होता क्या है, तो थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अच्छा मैक्सिमम लेंथ का जो पार्टीशन होता है, मतलब कितने बड़े टुकड़े आप कर सकते हो, उसको नॉर्म पी से लिखते हैं। जैसे आप यहाँ पर देखो, एक नोटेशन आपकी बुक के ने लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है, नॉर्म पी का लिखा हुआ है ना, ये होता है। तो ये क्या होता है, मैक्सिमम लेंथ होती है किसकी, जितने भी अंतराल है उन सबकी, जो भी लंबाई जो आपके पास आ रही है, डेल वन डेल टू डेल थ्री, ऐसे जितने भी आपने इंटरवल बनाए उन सबके लेंथ का मैक्सिमम जो होता है उसको नॉर्म पी से लिखते हैं। यहाँ तक तो क्लियर है? अच्छा मैं आपको थोड़ा सा एक और हिंट देता हूँ कि अपन कैसे काम करते हैं, तो यहाँ तक तो आपको मेरे ख्याल से क्लियर हो जाना चाहिए। अब अपन इसको एग्जाम्पल से देखते हैं, ठीक है? मैंने एक बना दिया मैंने, ठीक है? अब इन दोनों में अपन बात करते हैं, यहाँ पर दोनों में ही अपन बात करेंगे कि मेरे पास यहाँ पर कहीं पर ए है, अच्छा ए को मैं लिख देता हूँ 0 और बी को लिख देता हूँ मैं 1, क्लियर है? यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 0 लिख रहा हूँ और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 1, क्लियर है? अब यहाँ पर मैंने इसके किए दो टुकड़े, ध्यान से समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं हिंदी में लिख रहा हूँ दो टुकड़े, ठीक है? मतलब अपन इसका दो पार्ट करेंगे और क्या करेंगे, कुल मिला के बात है ना। तो यहाँ पे 0 के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। अच्छा मुझे इसके करने चार पार्ट करने हैं, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे चार टुकड़े किए मैंने, ठीक है? चार टुकड़े में क्या आ जाएगा, ये 1/2 तो आना ही आना आना है ना, यहाँ पे क्या आएगा 1/4 आएगा, यहाँ पर क्या आएगा 3/4 आएगा, और ये 4/4 मतलब 1 होता है, क्लियर है? तो यहाँ पर आपको क्या समझ में आ रहा है कि जो अपन ने पहला पार्टीशन किया है, जो पहला पार्टीशन आपने किया है, जो पहला पार्टीशन आपने किया है उसको मैं बोल रहा हूँ P1। P1 में कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं आपके पास, P1 में आ रहा है 0 आ रहा है, 1/2 आ रहा है और एक 1 आ रहा है, ये तीन एलिमेंट आपके पास P1 में आ रहे हैं, क्लियर है ना? अच्छा अपन और आगे देखते हैं, आपने जो दूसरा पार्टीशन किया उसमें कौन कौन से एलिमेंट आ रहा है, कौन से आ रहा है, 0 आ रहा है, 1/4 आ रहा है, 1/2 आ रहा है और ये 1 आ रहा है, क्लियर होगी बात? अच्छा इनके नाम मैं आपके बुक के अकॉर्डिंग दे लूँ तो इनके जो नाम होंगे वो आपको मिलेगा, पहला जो नाम मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, इसको बोलिए आपने पी बोल दिया और आप इसी को P- बोल रहे हो, क्लियर है? दो मैंने अलग अलग पार्टीशन किए एक ही इंटरवल के, जो इंटरवल था 0 से 1 तक। अब यहाँ पर आपको क्या समझ में आ रहा है, क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि P- जो है और P, इन दोनों में कोई को रिलेशन है क्या? बिल्कुल एक रिलेशन बन रहा है आपको, P सबसेट है किसका, P- का, मतलब P के सारे एलिमेंट P- के अंदर है ना, दिख रहे होंगे आपको, P के पास 0 1/2 1 है और P- के अंदर 0 1/2 1 दोनों है ना, तो ये दोनों है आपके पास। तो यहाँ पर एक डेफिनेशन क्लियर होती, अगर आपने किसी भी क्लोज इंटरवल के पार्टीशन किए, बहुत सारे पार्टीशन कर दिए, एक पार्टीशन दूसरे पार्टीशन के अंदर आ रहा है, वो सबसेट हो रहा है, तो उसको अपन यहाँ पर मैथमेटिकली क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे यहाँ पर, कि जो पी है और P- में रिलेशन बन गया आपके पास, है ना? रिलेशन क्या बना, तो मैं इसको एक बार हिंदी में लिख रहा हूँ कि P- जो होगा वो P का शोधन कहलाएगा,
शोधन, सूक्ष्मकरण, रिफाइनमेंट, है ना। इसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, पी डैश इज अ रिफाइनमेंट ऑफ पी। तो आपको यहां तक क्लियर होना चाहिए, ठीक है। पी डैश पी का शोधन कहलाएगा, ये अंग्रेजी में बोल देंगे रिफाइनमेंट इसको बोले, क्लियर है। तो ये रिफाइनमेंट का बात समझ में आ गई आपको, क्लियर है, क्लियर होगी बात आपको। यस सर, तो लिख दो, अभी दो तीन ही बचे हैं, तो एक को दवा जा नहीं रही और एक को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये नहीं पता चल रहा मुझे कि मैं ही कुछ बोल बोल के जा रहा हूँ। यस सर, ठीक है, समझ में तो आपको आ रहा है, चलिए अच्छी बात है। वैसे टाइम अपने पास 5 मिनट बचा हुआ है, उसके बाद में अपन इसको डिसकनेक्ट करके वापस से कनेक्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है। ताकि एक थोड़ा सा टॉपिक तो अपन क्लियर कर लेंगे पूरा, तो यहाँ तक तो क्लियर होता है ना। तो रिफाइनमेंट क्लियर हो गया आपके पास। अच्छा, दो चीजें और रह रही है, बस इसी के ना अपन बात कर लेते हैं, सुप्रीमम और इन्फिमम। पढ़ा है क्या आप लोगों ने, कहीं सुना होगा नाम इसका। एक आपके पास ये लाइन है, मैं इसी के ऊपर नंबर लिखूंगा, नंबर लिखूंगा, मैंने कुछ भी लिख दिया, माइनस लिख दिया, -2 लिख दिया, -1 लिख दिया, 0 लिख दिया, 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, 3, 4, 5, ऐसे अपन आगे बढ़ते चले, है ना। मैंने बहुत सारे नंबर लिख दिए, और मैं एक किसी इंटरवल की बात कर लो या किसी भी एक साइड की बात कर लेते हैं, तो मैं यहाँ से लेकर के इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैं बात किसकी कर रहा हूँ, एक इंटरवल ले रहा हूँ, मैंने कौन सा इंटरवल तो नहीं, अपन इसको सेट कहेंगे, -1 से 2 तक की बात कर रहा हूँ। -1 से लिया, 0 लिया मैंने, 1 लिया और 2 लिया, है ना। अपन इस पूरे सेट की बात करें फिलहाल, ठीक है। सेट को अपन ऐसा लिखते हैं समुच्चय। अब क्या कह रहा है, अब जो भी इन नंबर्स है, इन नंबर से जो भी बड़े नंबर है वो सब क्या कहलाएंगे, अपर बाउंड में जाएंगे। मैं इसको ऐसा लिख रहा हूँ, ये देखो 2, 3, 4, 5, ये सब क्या कहलाएगा, अपर बाउंड कहलाएगा, अपर बाउंड। इसको हिंदी में बोलते हैं ऊपरी परिबन। जो बड़े नंबर है, सेट से बड़े नंबर है, उसको अपन बोलते हैं ऊपरी परिबन, क्लियर है। ये आपके अभी भी है और आगे वाली किताबों में काम आएगा। अब इससे जो भी कम नंबर है, सेट से -1 से जो भी कम छोटे नंबर है, उनको अपन बोल रहे हैं लोअर बाउंड, ठीक है। इसकी अंग्रेजी ही मेरे ख्याल से सही रहेगी, लोअर बाउंड। इसको हम बोलते हैं निम्न परिबंध, निम्न परिबंध। अब आपको क्या समझ में आया कि अपर बाउंड का मतलब मैं यू भी लिख रहा हूँ, यू भी में क्या हो जाएंगे, सब बड़े एलिमेंट आएंगे उस सेट के एलिमेंट से, 2 भी जिसमें आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, 5 भी आएगा, ऐसे सारे बड़े नंबर आएंगे। और मैं बात कर रहा हूँ लोअर बाउंड को, मैं लिख रहा हूँ एल बी से जो छोटे नंबर है वो आएंगे, छोटे नंबर कैसे आएंगे, -4 भी आएगा, -3 भी आएगा, -2 भी आएगा और -1 भी आएगा। यहाँ तक तो क्लियर होना चाहिए, लोअर बाउंड क्या होता है और अपर बाउंड क्या होता है। अब अपर बाउंड में सबसे छोटा, इसको हम बोलते हैं लीस्ट अपर बाउंड, इसको ऐसा बोलते हैं, अपर बाउंड में सबसे छोटा, लीस्ट मतलब छोटा, अपर बाउंड मतलब छोटा, है ना। अपर बाउंड आपको बता दिया कौन है भाई, 2 है, ठीक है। और यहाँ पे लिख रहे हैं ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, लोअर बाउंड मतलब छोटे में सबसे बड़ा, बड़े में सबसे छोटा, दो चीज अपने बात करी है। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड में क्या हो जाएगा, आपको मिलेगा यहाँ पर -1। ये बात तो समझ में आ गई कि इन सब में से सबसे बड़ा नंबर ढूंढो, -1 आपको दिख रहा है, इन सब में से सबसे छोटा नंबर ढूंढो, आपको दिख रहा है 2, ठीक है ना। अब ये एल यू बी जो है वो एक विशेष नाम है ना, इसका एक खतरनाक नाम है, जिसको हम बोलते हैं अंग्रेजी में बोलते हैं इसको सुप्रीमम, ठीक है, और हिंदी में इसको बोलते हैं उच्चक। ये कहानी शुरू होती है आपकी यहाँ से, है ना। और लोअर बाउंड में जो सबसे छोटा है उसको अपन बोलते हैं इनफीमम, और हिंदी में इसको बोला जाता है निम्नक, क्लियर है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि जो आपने जो भी सेट लिया है उसके बड़े एलिमेंट का कलेक्शन किया, छोटे एलिमेंट का कलेक्शन किया, उससे बड़े एलिमेंट का ना, तो उन सब बड़े एलिमेंट को अपन अपर बाउंड कह रहे हैं, छोटे एलिमेंट को अपन क्या बोल रहे हैं, लोअर बाउंड बोल रहे हैं, और अपर बाउंड में सबसे छोटा उठाओ उसको अपन बोलते हैं लीस्ट अपर बाउंड, सुप्रीमम बोलते हैं, उच्च किसको बोला जाता है, और लोअर बाउंड में सबसे बड़ा आपने लिया उसको बोलते हैं निम्नक बोलते हैं, इनफिमम बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर है ना। ये टाइलिंग में थोड़ी सी कम हो रही है, तो मैं अभी यहीं तक रख रहा हूँ आज, मतलब आपको पता थे स्पीड अपन स्टार्टिंग से 0 की स्पीड से शुरू करते हैं,
उसके बाद हम 100 की स्पीड से दौड़ाते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत? वैसे आप दो ही कनेक्ट हुए हैं, तीसरे को आवाज आ नहीं रही है। रिकॉर्डिंग में इसकी यूट्यूब पे अभी डाल रहा हूँ उसकी, है ना, तो आपको क्लियर रहेगा, ठीक है। अभी वाइंड अप कर दूँ मैं, टाइम लिमिट इतना ही है, कल यूट्यूब पर या तो लाइव आ जाएंगे, क्योंकि कनेक्ट ज़्यादा हो नहीं पा रहे हैं बच्चे। जस्ट नो, ये क्या था? ठीक है, मैं अभी थोड़ा सा वाइंड अप करता हूँ अभी, है ना, और आज इतना ही पढ़ेंगे अपन कल, और पहले सबको यूट्यूब सिखाना पड़ेगा, यूट्यूब क्या ये जूम सिखाना पड़ेगा कैसे करते हैं, ठीक है।